नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों का भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर पंचायत चुनाव के प्रदेश प्रभारी विजय बहादुर पाठक मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। स्वागत समारोह में भाजपा ने बड़ा दाव खेलते हुए करीब एक दर्जन निर्दलीय जिला पंचायत सदस्यों को पार्टी में शामिल कर लिया है। तो वहीं मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक ने नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को अंगवस्त्र भेंट कर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर विजय बहादुर पाठक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ेगी और पार्टी के नेतृत्व की भी यही मंशा है। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भाजपा का ही कार्यकर्ता जीत कर जाएगा, जिससे एक ईमानदार जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा जो ग्रामीण जनता और क्षेत्र का विकास ठीक ढंग से करेगा। जिला अध्यक्ष भाजपा लालगंज श्री ऋषिकांत राय ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हमारी पार्टी सभी वरिष्ठ नेता एकजुट होकर पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। हमें भारी संख्या में निर्दलीय जिला पंचायत सदस्यों का समर्थन प्राप्त हुआ है। आज आपकी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी त्रिस्तरीय चुनाव में पूरे प्रदेश में बहुत दमखम के साथ इस चुनाव में लगी थी और आजमगढ़ जनपद के जो हमारे त्रिस्तरीय चुनाव में जो जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए और कुछ ऐसे सदस्य करीब दो दर्जन जिला पंचायत सदस्य आज हमारे पास, उनका स्वागत समारोह है क्योंकि लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार रहे हैं और उनकी विजय पे आज भारतीय जनता पार्टी ये हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय विजय बहादुर पाठक जी में आज जिला पंचायत सदस्यों का स्वागत अभिनंदन है। आगे आने वाले दिनों में जो भारतीय यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है उसके संदर्भ में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के आधार पर पूरी तैयारी कर रही है और मुझे विश्वास है कि जो लोग आज इस स्वागत समारोह में आए हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं, इनके माध्यम से और हमारे पार्टी के नेताओं, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह जी हैं, ध्रुव सिंह जी हैं, कृष्णराज विश्वकर्मा जी हैं, श्री कृष्णपाल जी हैं, पूरी पार्टी एक साथ बैठ करके ये विचार कर रही कि आगे आने वाले जिला पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत का अध्यक्ष अपना बनाएगी और जिला पंचायत अध्यक्ष के नाते जो जिला पंचायत का बजट है वो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है कि गांव गरीब सबका विकास हो, उस कल्पना को साकार करने के लिए इस पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतरी थी, उसका एक सकारात्मक स्वरूप आज सामने है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित 12 उम्मीदवार हमारे जीते थे और कुछ जिनको किन्हीं कारणों से टिकट भी नहीं मिला था लेकिन वो भी आज भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त करके इस स्वागत समारोह में आए हैं। इसे मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का ही जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा। अच्छा महमद जी, जैसे जोड़ तोड़ की रणनीति करके लोग अपना अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बनाते, तो क्या इस जोड़ तोड़ में रणनीति में भाजपा भी शामिल होगी? राजनीति में जोड़ तोड़ करना कोई गुनाह नहीं है लेकिन आजमगढ़ के इतिहास में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर अब तक समाजवादी पार्टी अपने जोड़ तोड़ या जिन आधार पर बैठी है उसका परिणाम रहा है कि आजमगढ़ में जिला पंचायत का प्रतिवर्ष अधिकतम 100 करोड़ का जो बजट हो जिससे गांव का विकास हो और उस जिला पंचायत बोर्ड का एक अपना नीचे का एक महत्वपूर्ण बोर्ड होता है